तो हेलो सोलो पुशर्स, की हाल चाल? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यार तुम्हारा भाई चुका है फिर से एक सोलो कॉन्कर रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो लेकर। और यार आज वाले वीडियो में भी यार दो दो गेम प्ले रहने वाला है। तो यार देखो गेम प्ले की बात तो अपन करेंगे ही करेंगे, बट यार उससे पहले आप लोग से बहुत ही जरूरी कुछ बातें करनी है। तो यार उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। हाँ यार देखो अभी फिलहाल हैकर्स इतने बढ़ चुके हैं ना कि इनके बारे में भी मैं बाद में आपसे कुछ बात करूंगा। और यार क्या सीन हो रखा और मैं आगे क्या करने वाला हूँ ना बस सब बताऊंगा। उससे पहले ये देखो कि यार जोन जो है बहुत दूर बन चुका था और मेरे को एंट्री लेनी थी जोन में, और आगे बग्गी वाला बंदा जा रहा था और मैं ये एकदम धूम त्रिया एकदम सलमान खान बन के इसके पीछे अपना फैसला लगा दिया था कि इसको मारूंगा क्योंकि ये बहुत डैमेज होगा, मैं तो फुल बूस्ट अप हूँ। तो यार मैं सोचा यार फ्री का किल्स कम से कम बाहर ही जोन के मिल जाए, जोन के अंदर जाके तो ऐसे भी हैकर से मरना ही मरना है। और ये वाला बंदा देखो गलती क्या करता है कि शैक पे जाके हीलिंग करने लगता है और मैं इस पे सीधा अंधा पुश कर देता हूँ। और अब देखो यहाँ पे इसको निपटा भी देंगे, बेचारा हेल्थ किट लगाते लगाते ही मर गया। और अभी देखो यार अभी गेम का ऐसा सीन हो चुका है ना कि अब यार गेम खेलने का मन जो है ना 1% भी नहीं करता है। एक तो भाई ऐसे ही सोलो बोरिंग होता है, बट यार अगर सोलो में पूरा लेजिट लॉबी आए तो यार वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट वाला गेम बन जाता है और मज़ा आता है। मतलब कि लास्ट जोन में फाइट लेने का, पोजीशन लेने का लेजिट बंदे से, मतलब 1v1, मतलब स्प्रे अच्छे अच्छे, क्या मज़ा आता है, कॉम्पिटेटिव वाला फील होता है। बट यार आप अगर एक चीज़ नोटिस करो, पहले देखो अभी यहाँ पे मतलब बंदे आसपास से गुजरेंगे उनको भी निपटाएंगे हम। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो अगर आप सोचो कि अभी सोलो में यार बंदे का कैसा गेम प्ले होता है, यार जोन के बाहर रहते चार जोन, और चार जोन बाहर रहने के बाद यार अगर वो बंदा अंदर जोन के आए जिस टाइम से यार वहाँ पे असली खेल शुरू होता है पोजीशन के लिए, किल्स के लिए और अच्छा प्लस के लिए। और यार बंदा आता है ये सोच के कि यार अब जोन में जाना है, यार एक दो किल्स निकालेंगे या तीन किल्स या चिकन डिनर अगर अच्छा पोजीशन मिला तो, और उसके बाद यार मस्त लॉबी चले जाएंगे। बट यार अभी का क्या सीन हो रखा है भाई, जोन के बाहर से जैसे ही जोन के अंदर एंट्री करो, गाड़ी जैसे ही गाड़ी का पहला पहिया गया जोन के अंदर, भाई तुम पहुंच गए लॉबी। मतलब ये हैकर का इतना तादाद बढ़ गया यार कि कुछ कह नहीं सकते। और फिलहाल देखो सामने एक डब्लू पत्थर के पीछे था, क्या पता यार जोन के बाहर क्या कर रहा था, और इसको 1v1 में इजी निपटा देते कोई भी दिक्कत नहीं होता मेरे को। और अब यहाँ पे 3 किल अपने हो चुके थे, और देखो ये 2 किल तो मैंने जोन के बाहर ही किए, और अब बारी था जोन के अंदर जाने का। और जोन के अंदर जाने से पहले मेरे को यही डर लग रहा था यार कि जैसे ही अंदर गया हैकर का स्प्रे ना आ जाए। बट यार देखो अभी मतलब क्या है ना कि कोई ही कोई गेम ऐसा रहता है जिसमें आपको जोन के अंदर एंट्री मिल जाती है और यार फाइनली यार लास्ट में यार आपको हैकर ही मारता है, तो यार उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और मतलब समझ लो ना क्या कहना चाह रहे यार, आप लोग भी यार मेरे ख्याल से रैंक पुशिंग छोड़ ही दिए होगे, बट मैं तो यार इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं रैंक पुशिंग नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं टॉप 1 के लिए लीडर वोट कर रहा था बट वो छोड़ रहा हूँ। और टॉप 100 में तो शायद से मेरी आईडी ऐसे ही रह जाएगी। फिलहाल सामने बंदा लेटा था दो दो, जिसमें से एक को निपटाते हेडशॉट के साथ और दूसरे को भी निपटाएंगे अभी। तो यार मैं बोल रहा हूँ कि मैं बस लीडर बोर्ड छोड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ करने वाला हूँ पेड पुश। तो यार अगर आप लोग को पेड पुश करवाना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे टॉप पे, और इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे रशगॉट गेमिंग तो वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यार मैं अभी पेड पुश करूँगा और अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा और आप लोग को अच्छे अच्छे से मोटिवेट करूँगा यार फिर से गोल्ड से कॉन्कर डायमंड से कॉन्कर करेंगे, क्योंकि मेरे को कॉन्कर करने में कोई दिक्कत नहीं आता है, मैं एकदम हंसते खेलते आंख बंद करके कॉन्कर कर सकता हूँ। यार जब पहले C1S1 में हैकर लॉबी आती थी फुल फ्लैश वाले, 4-5 फ्लैश वाले तो एक ही गेम में घूमते थे, तब भी यार तुम्हारा भाई कॉन्कर कर लेता था, तो यार ये कौन सी बड़ी बात है। बट यार जो अभी मज़ा आता है ना अपनी आईडी को लीडर बोर्ड पे रखने का, वो वाला फील ही नहीं यार। अगर आप गलती से मैं बैठ भी गया जाके टॉप 10 में टॉप 5 पे लीडर बोर्ड पे, तो यार सब यही कहेंगे कि यार हैकर के साथ खेल के किया है या हैकिंग लगा के हैकर, मतलब कि अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा पब्लिक पे, बुरा ही इंप्रेशन बनेगा, सब बोलेंगे यार ये बंदा भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। और ऐसे भी यार कर ये बोलने की तो दूर की बात है यार, सबसे पहली बात तो यार होगा ही नहीं क्योंकि इतना हैकर आ रहे, मेहनत ही लगेगा इतना ज़्यादा, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी लिया तो यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, समझ लो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। मतलब यार उसके लिए भाई देखो इतना ज़्यादा मेहनत करके जब लेजिट लॉबी में जितनी मेहनत लगती है उससे 3 गुना मेहनत लगेगा, और उतना मेहनत करके जब आपको रिस्पेक्ट ना मिले लीडर बोर्ड पे जाके तो यार क्या ही मतलब रह जाता है। यार अभी देखो मैं तो लीडर बोर्ड ही चेक नहीं करता अब, क्योंकि यार लीडर बोर्ड पे खोलो यार सारे हैकर से दिख रहे हैं, और यार बंदे आई थिंक कि रैंक पुशिंग भी छोड़ दिया लेजिट बंदे जिनका लो एंड डिवाइस है, तो यार बहुत दिक्कत हो रहा था यार। बस अब मन करता है ऐसा कि अनइंस्टॉल करूँ विजय भाई, मस्त लाइफ एंजॉय करो अपना, समझ रहे हो। अब फिलहाल गेम की बात करते हैं, देखो 5 किल कर दिया था, अब मैं जोन में आया, और जोन में आने के बाद ना अभी यहाँ पे क्या सीन होगा ना, बस देखो भाई कल वाली वीडियो में जो सीन हुआ था ना वही होगा। मतलब हमेशा हो रहा भाई ऐसा, हैकर का डर इतना फैल गया ना कि अभी देखो क्या ही होगा, मतलब मैं भाई सोच भी नहीं सकता।
ये देखो जोन के बाहर से भाई मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब हैकर के डर से बंदे देख रहे हो कितना देर तक जोन के बाहर रहते हैं। बट कोई नहीं, अपने को इस वाले गेम में 15 का प्लस मिला था। और यार अपने को गेम प्ले निकालने के लिए तो यार गेम खेलना ही पड़ता है। तो यार देखो आप लोग से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर नए आए तो चैनल को फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन जो है ना उसको कर दो, प्रेस कर दो यार, क्लिक कर दो, दबा दो, ईटा पत्थर कुछ भी फेंक के मारो। और लाइक तो हो ही जाना चाहिए। और कमेंट में यार तुम कुछ भी लिखो ना, नींबू आलू प्याज लहसुन कुछ भी लिखो चलेगा, मतलब यार रीच बढ़ती है यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार कि मोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि देखो हैकर की वजह से ऐसे ही डिमोटिवेट हो सब। और भाई व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो यार कितना बेकार लगेगा, इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, गेम प्ले निकालता हूं। फिलहाल देखो आपको गेम प्ले वो वाला तो अच्छा ही लगा होगा फर्स्ट, और ये सेकंड वाला गेम प्ले जो है इसमें भी आपको कुछ अच्छे स्प्रेस दिखेंगे अच्छा। प्लस तो मैं भाई हर गेम में ही अच्छा दिखाता हूं तभी मैं गेम प्ले डालता हूं। और यार आप लोग का कमेंट का मैं हमेशा रिप्लाई भी करता हूं और हार्ट भी देता हूं, ठीक है। अभी फिलहाल देखो यहां पे से गुजर रही थी एक बग्गी, और इस वाले बग्गी वाले बंदे को क्या स्प्रे देंगे ना, बस देखो। अब इस वाले स्प्रे के लिए भी तुम लोग लाइक नहीं करोगे तो यार अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए रह गया। तो यार आप लोग 6000 सब्सक्राइबर कब कंप्लीट कराओगे, बस इसी चीज़ का इंतजार है। और अभी देखो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मेरे पे ही जोन बनेगा क्योंकि मैंने सेंटर पे आके होल्ड किया हुआ था, बट यार यहाँ पे ऐसा होता नहीं है क्योंकि यार सेंटर जो है ना कहीं और पे ही जोन का बन जाता, शिफ्ट हो जाता है। और अभी यहाँ पे से देखो गाड़ी गुजरेगी ना, तो मैं यार सब पे स्प्रे लेता हूँ, क्योंकि यार देखो जब सेंटर पे तुम हो ना तो यार सब पे स्प्रे लिया करो, क्या पता कोई बंदा गलती से ही गिर जाए। और अब देखो इस वाले बंदे को क्या ही मतलब डैमेज दूंगा, बट यार देखो कैसे कैसे गोल गोल घुमा रहा है, एक हेड लगा, बंदा बहुत चलाक था। भाई बंदा तो यार अच्छा खासा डैमेज खा के गया था इधर से, मैंने तो यार अच्छे खासे डैमेज चिपका ही दिए थे, बट यार देखो अभी क्या सीन था कि वो तो बच के चला गया, बट यार अभी थोड़ी ही देर में मेरे कंपाउंड पे एक बंदा रश करेगा और क्या पता यार उसको क्या चुल मचती है मेरे से फाइट लेने की। और हम भी बोलते यार कि हम भी तुमसे फाइट ही लेंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। और अब यार स्मोक करने लगता है मेरे पे ये, और मैं भी इस पे गोल गोल घुमैया करता हूँ, क्योंकि यार अभी देखो ऐसे है ना मज़ा नहीं आ रहा था इसको मतलब कि मारने में, तो मैं सोचा यार इसको गोल गोल घुमा के मारेंगे, क्योंकि यार अगर डायरेक्ट घुसूंगा तो शायद से अपनी भी पेटी डल सकती है, समझ रहे हो। तो अब देखो क्या था कि मैं तो नेट डाल रहा था इस पे, बट इस पे शायद से सिर्फ स्मोक थे तो डरा रहा था ये वाला बंदा मेरे को। और अभी देखो मैं फुल स्ट्रेटेजिकल फाइट लेता हूँ इधर, क्योंकि यार यहाँ पे मेरे को हड़बड़ करके गड़बड़ नहीं करना था, क्योंकि यार अभी मेरे को ऐसा टाइम है कि यहाँ पे से मैं थोड़ा सा अच्छा गेम निकाल लूँ तो प्लस मिलेगा, क्योंकि यार जब इतना देर तक मैंने पेशेंस रख लिया, पूरा गेम मैंने अच्छे से पेशेंस के साथ निकाल लिया, तो यहाँ पे आके गलती करने का तो यार सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अब ये वाला बंदा भी थोड़ा चलाकी से खेल रहा था, और इसको अभी मैं मारूंगा ना, जैसे तुम देख के भी बोलोगे वाह मज़ा आ गया, मौज कर दी भाई। अभी पूरा यूटिलिटी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार देखो ग्रेनेड और मौली ये सब मैं उठाता रहता हूँ हमेशा। और अभी देखो मैंने इसकी टायर फोड़ दी भाई, बहुत देर में इसने ये बेकार सा डिसीजन, अच्छा डिसीजन लिया भागने का। अगर ये पहले लेता भागने का डिसीजन तो मैं भी इसके पीछे नहीं लगता, बट यार इस भैया को मेरे से लेनी थी फाइट, और भैया को मैंने टायर फोड़ दिया, और अब बारी था इनको निपटाने की, ठीक है। और भैया देखो अभी मैं क्या था कि यहाँ पे से बग्गी निकाला, और मैं इधर से अभी जाने वाला नहीं था भाई जब तक इसको ना निपटाऊं। और अब देखो यहाँ पे ये बंदा आ गया, हाँ तो भैया ये वाला हेडशॉट कैसा लगा, 10-10-10 1v1 बता देना कमेंट करके ज़रूर से, अच्छा लगा यार। अगर आप लोग को कोई सा भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगता है ना तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, और यार नहीं भी अच्छा लगता तो कुछ भी लिख दो, आई एम प्रेजेंट, हेलो, हाय, या कुछ भी, मतलब ऐसे पता तो चलता है ना यार तुम लोग कितना सपोर्ट करते हो, और अच्छा भी लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो। और यार अभी देखो 10,000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी कराओगे उतना जल्दी रॉयल पास का गिव अवे करूंगा मैं अपनी तरफ से, और यार फर्स्ट सैलरी भी यूट्यूब से आने ही वाला है, अभी आने वाला टाइम लगेगा, अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो जल्दी ही आ जाएगा, और उसमें से भी यार कुछ पैसे निकाल के मैं रॉयल पास दूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को, जो कि यार जिनको ज़रूरत है। और मैं मेरे नज़र में बहुत सारे बंदे का नाम भी है जिनके पास रॉयल पास नहीं है बट वो अपने को सपोर्ट करते हैं, और यार कमेंट जिनका रोज़ आता है ना उनका नाम मेरे को याद रहता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये मजाक नहीं कर रहा रियली, क्योंकि देखो मेरे को ज़्यादा कमेंट्स तो आते नहीं है, तो मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक सिंगल कमेंट को, और यार हर बंदे का नाम याद हो जाता है जब बंदा रोज़ कमेंट करने लगता है तो, ठीक है। फिलहाल इस वाले बंदे को निकाल दिया,
और ये वाला बंदा बच के निकल गया, क्योंकि यार यहाँ पे मेरा फोन जो है ना बहुत हीट हो चुका था, 46 डिग्री चला गया था। और यार 46 डिग्री जब चला जाता और रिकॉर्डिंग ऑन, तो भाई सोच लो कि यार मर गया फोन। बट यार यहाँ पे कैसे भी कैसे करके सर्वाइव कर रहा था, मैं ही जानता हूँ यार यहाँ पे कैसे मैं सर्वाइव कर रहा था। और यार बस याद से यार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो, और रोज करते रहो, मतलब बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लो, रोज यार वीडियो देख लिया करो यार, अच्छा लगता है यार, समझ रहे हो, थोड़ा सा यार अपने को भी मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल ये वाला बंदा अभी मेरे को यार कुचल ही देता, बट यार मैं भी यार पेड़ का थोड़ा सा कवर लेके बैठा था, तो इसको मैं मार के लूटने लगता हूँ। और उतने में यार बियाड़ियाँ आती है और वो मेरे पे देखो चढ़ाने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ पे गेट इन किया क्योंकि मेरे को पता था ये चढ़ाएगा। भाई ये बंदा भाई सिंगल एचपी का बचा था भाई सिंगल, बट एमके के वजह से ये मेरे को मार दिया। और इसने यार पहले से डैमेज दे रखा था, तो इसको मतलब कि इजी हो गया मेरे को मारना। बट यार देखो यहाँ पे बहुत अच्छा अपन ने ट्राई किया, बट कोई नहीं, इस वाले गेम प्ले में भी मेरे को अच्छा खासा प्लस मिल गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते कल के एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक ले टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। पेड पुश के लिए कॉन्टैक्ट कर देना इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय।